की दीवानगी हमारे सिर कितनी चढ़ जाए, लेकिन छोटा पर्दा अपनी पहचान कभी नहीं खोता और टीवी सीरियल्स में बहुत बड़ा हिस्सा होता है इनकी एक्ट्रेसेस का। जी हाँ, ये एक्ट्रेसेस हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाती हैं। बीते एक दशक में यानी साल 2010 से लेकर साल 2019 तक हमें एक से बढ़कर एक टीवी एक्ट्रेस मिली। तो चलिए जानते हैं आज उन्हीं टीवी एक्ट्रेसेस के बारे में जो 10 सालों में टीवी पर छा गईं। निया शर्मा। निया शर्मा इस दौर की सबसे सेक्सी और टैलेंटेड एक्ट्रेस कही जाती हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी साल 2010 में आए शो काली एक अग्नि परीक्षा से। इस शो में ऑडियंस ने उन्हें खूब पसंद किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली साल 2011 में आए शो एक हजारों में मेरी बहना है से। इस शो के लिए उन्हें इंडियन टेली एकेडमी अवार्ड और इंडियन टेली अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिर क्या, यहाँ से निया का करियर गियर पर चढ़ गया और निया इन दिनों नागिन 4 में नजर आ रही है। हिना खान। पहले टीवी की दुलारी बहू और फिर एक वैम्प, हिना ने अपने करियर में हमें बहुत से रूप दिखाए। साल 2009 में शुरू हुए शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन गई थी। फिर हिना ने अपनी इमेज को तोड़ा और बिग बॉस सीजन 11 में एंट्री ली। बिग बॉस में उनके स्वभाव के चलते उनके बहुत से फैंस उनसे खफा भी हुए, लेकिन बहुतों ने उन्हें जेन्युइन बताया और सच्चाई की तारीफ की। इस रियलिटी शो में हिना सेकंड रनर अप रही। फिर उनकी एंट्री हुई स्टार प्लस के शो कसौटी जिंदगी की में और यहाँ कोमोलिका बनकर हिना खान छा गयी। शिवांगी जोशी। टीवी की बबली एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने टीवी पर अपना डेब्यू किया था साल 2013 में। सबसे पहले वो दिखी थी जी टीवी के शो खेलती है जिंदगी आंख मिचोली में। इस शो ने उन्हें दर्शकों की नजरों में ला दिया था। फिर शिवांगी नजर आई बे इंतहा और बेगूसराय में। दोनों ही शोज में दर्शकों ने उनके काम की सराहना की और फिर साल 2016 में शिवांगी बन गई नायरा और उन्हें मिल गया ये शो रिश्ता क्या कहलाता है। सुरभि ज्योति। इस पंजाबी कुड़ी ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी इंडस्ट्री से की। जी पंजाबी के शो अखियां ते दूर ना जा और कांच दिया वांगा से उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। हिंदी भाषी दर्शकों को सुरभि पहली बार देखने को मिली थी साल 2012 में जी टीवी के पॉपुलर शो कबूल है में। इस शो में उन्होंने जोया फारूकी का किरदार निभाया था और फिर आया टीवी का सबसे फेवरेट शो नागिन 3, जिसमें उन्होंने बेला का किरदार निभाया। दीपिका कक्कड़। दीपिका कक्कड़ यानी कि टीवी की सिमर। टीवी में आने से पहले वो मुंबई में एयर होस्टेस थीं। टीवी इंडस्ट्री में उन्होंने डेब्यू किया साल 2010 में नीर भरे तेरे नैना देवी से, जिसमें उन्होंने लक्ष्मी माँ का किरदार निभाया था। फिर वो आई अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो की रेखा के किरदार में। उसके बाद उनकी जिंदगी में आया कलर्स का शो ससुराल सिमर का। इस शो में वो लीड एक्ट्रेस थी। आपको बता दें साल 2011 से लेकर साल 2017 तक उन्होंने इस किरदार के कई शेड्स दिखाए और अब फिलहाल वो स्टार प्लस के शो कहां हम कहां तुम में करण ग्रोवर के अपोजिट नजर आ रही हैं। मृणाल ठाकुर। छोटे पर्दे की बहुत सी एक्ट्रेसेस ने फिल्मों में अपना नाम कमाया है, लेकिन मृणाल ठाकुर की बात ही अलग है। कुंडली भाग्य की ये एक्ट्रेस साल 2014 में दर्शकों की नजर में आई। दो साल बाद ही उन्हें क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म लव सोनियो में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म लड़कियों की तस्करी पर आधारित थी। इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बहुत पहचान मिली। इसके बाद मृणाल नजर आए ऋतिक रोशन के साथ साल 2019 में आई फिल्म सुपर 30 में और जॉन अब्राहम के साथ बाटला हाउस में भी। ये दोनों ही फिल्में अच्छी चली और मृणाल को बड़े पर्दे पर पहचान मिलने लगी। साल 2020 में वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल घोस्ट स्टोरी में करण जौहर के निर्देशित हिस्से में नजर आएंगी। तो ये हैं वो एक्ट्रेसेस जो 10 साल में टीवी पर छा गईं।